अ वेरी ब्यूटिफुल गुड मॉर्निंग माई यूट्यूब फैमिली. अगर आपने इससे पहले वाला ब्लॉग नहीं देखा तो ज़रूर जाके चेक कीजिए यूट्यूब पे. ऑल्सो प्लीज़ मैं चाहती हूँ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो. और ये चूड़धार में मेरी ब्यूटिफुल मॉर्निंग हो रही है. कैन यू सी द व्यू गाइस? लुक एट दिस, सो ब्यूटिफुल. कितना सुंदर लग रहा है. ये फर्स्ट रे थी, सन रे जो पड़ी बिल्कुल चूड़धार पे ही सबसे पहले धूप आती है और बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा था. वेल, फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी आ चुका है. ये मेरा सेकंड पार्ट था सेकंड डे का. एंड जस्ट लुक एट दिस सन, इतना ब्यूटीफुल सनराइज़ मैंने कभी नहीं देखा लाइफ में. एंड आई वॉज़ अ फैन ऑफ सनसेट, बट ये सनराइज़ था ना जो, ये बहुत ही ब्यूटिफुल था. एंड आई लव दिस होल वाइब ऑफ चूड़धार. शुद्ध कर दिया मुझे. गंगा जल लेके आए थे हम हेयर मास्क के डब्बे में. ठीक से. ओ सुन, हो गया हाथ. गाइस, एज यू कैन सी, हम लोग जहाँ रुके थे वहां से हम आ गए. हम ऊपर जा रहे हैं लिंग, जहाँ शिव जी की प्रतिमा है. बट यहाँ पे ना इस पत्थर को जो कहते हैं वो कहते हैं चूरू का टावरा. और ये पत्थर देखो कितना बड़ा है. और इस पे यू नो लोग जाते भी ऊपर चढ़ के. ये देखो, आप देख सकते हो एक इंसान को वहाँ पे गए हैं वो ढाल करने. इसके पीछे एक बहुत बड़ी स्टोरी है. स्टोरी ये है कि जो चूड़िया दानव थे वो मारने आए थे इन लोगों को, तो श्री गुरु महाराज जी ने उनको बचाने के लिए श्राप दे दिया, तो वो लोग पत्थर बन गए. तो इस पत्थर की पूजा की जाती है. सो ये वाली स्टोरी का कोई है मतलब. अगर मैं गलत हूँ तो मुझे माफ करना, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग कमेंट सेक्शन में. बट जहाँ तक मुझे पता है वो यही स्टोरी है. Guys, as you can see, यहाँ का लैंडस्केप कितना डिफरेंट है. बड़े बड़े पत्थर ब्यूटीफुल से. एंड जहाँ हम जा रहे हैं ये ऊपर टॉप पे, इसके पीछे है शिव जी का लिंग, तो वहाँ जाना भी हमको. आओ साथ में चलते हैं. गाइस, आपने पीछे, मैंने लेट हो गया मैं कोई रिकॉर्ड करने के लिए, लेकिन ऊपर थे बोलो चूड़ू महाराज की जय, क्योंकि चूड़ू महाराज जी का टाबरा था. टाबरा मतलब परिवार. तो सब लोग गए वहाँ पे ऊपर. और ये लोग ना सिरमौर से आए हैं, और सिरमौर ही लोगों का देवता जो है ना वो चूड़ू महाराज जी आई थिंक. तो ये चूड़ू महाराज जी की छड़ी को लेके आए हैं. एंड तभी ये ऊपर गए सब लोग वहाँ पे, हम लोग नहीं गए. गाइज, वहाँ से वो दरमालत है. नहीं है मालत क्या? मालत है, दिख नहीं रहा है. अभी मुझे रियलाइजेशन हो रहा है पतलेपन का, कि अगर शायद थोड़ी मेरी बॉडी हल्की होती या पतली होती फटाफट से मैं भागती. लेकिन मोटापे की रीजन से मैं चल भी नहीं पा रही हूँ इतना, क्योंकि मैंने वेट गेन कर दिया. यू नीड टू बी फिजिकली फिट. अभी हम लोग अभी हम लोग एटलीस्ट एक घंटा तो चल चुके हैं, लेकिन अभी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचे, जो कि थोड़ा अभी भी दूर है. ऑक्सीजन लेवल जो है ना थोड़ा कम है, और मुझे तो सच में प्रॉब्लम हो रही है. यहाँ अंदर दर्द हो रहा है बार बार, इसलिए मैं बार बार रेस्ट भी कर रही हूँ. कोई बात नहीं. क्या बोलते हैं वो, कि सफ़र खूबसूरत है मंजिल से भी, बट यहाँ तो मंजिल भी खूबसूरत है और सफ़र भी खूबसूरत है. सो आई एम एंजॉयिंग दिस. अब क्या हुआ गाइस, जैसे कि आप देख सकते हो कि मेरी हालत तो इतनी खस्ती है जिसका कोई हिसाब नहीं. बट ये रही हमारी मंजिल, और ये रहा इतना खूबसूरत सफ़र. ये यहाँ से इतना ब्यूटीफुल, वाओ. Guys, we are on the top and I'm so happy. मैं आपको बता नहीं सकती मैं कितना खुश हूँ. खैर, मेरी बैटरी तो बहुत ज़्यादा डाउन हो चुकी है, बट दिस व्यू एंड दिस प्लेस हैज़ माई हार्ट. बहुत ही सुंदर जगह है, बहुत ही सुंदर. और मेरा फर्स्ट टाइम ये एक्सपीरियंस है जब मैं टॉप पे आई हूँ. एंड पीछे शिव जी है,
ब्यूटीफुल। वी आर ऑन द टॉप और यहाँ से ही कुरुक्षेत्र का बहुत सुंदर व्यू ले रहे हैं। तो अभी हम लोग ना ऊपर से आ चुके दर्शन करके नीचे, और ये बिल्कुल आप दिखाओ कहाँ से आए हम लोग दर्शन करके। और ये यहाँ से व्यू दिख रहा है बहुत ही ज्यादा सुंदर। चलो अब चलते हैं नीचे, क्योंकि वहाँ को मेन जो मंदिर है वहाँ पे दर्शन करने हैं। मम्मी डैडी नीचे ही वेट कर रहे हैं। अब पिक्चर्स ले लो। कैमरा टेढ़ा पकड़े हैं आपने। बर्फ इतनी टेस्टी है तो मैं बीमार भी हो सकती हूँ। आओ नमक मिर्च होता है ना, मजा आएगा गर्म मसाला। और गाइस ये है मंदिर, और फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं वापस मंदिर। यहाँ मम्मी डैडी वेट कर रहे हैं हमारा, हम यहाँ करेंगे दर्शन क्योंकि यहाँ श्री गुरु महाराज जी का स्थान है। तो चलो पाँव में भी डाल दे थोड़ा सा। ये मूवेक्स एसपी है, कोई गिर गया स्वेलिंग स्वेलिंग आ गई, उसको दर्द होगी। ये दर्द, ये कोई मोच उगर आ गए, स्वेलिंग हो गई उसकी। हाँ एक ही चीज़ हाँ ये जय श्री मंचन का गंगा से लक्ष्मी। दर्शन करके हम लोग आ चुके हैं। डैडी ना बाबा जी को मेडिसिन दिए थे, क्योंकि जो हम लोग साथ में लेके आए, डैडी ने काफ़ी सही कैरी की थी कि इनकेस हमको ज़रूरत पड़े, लेकिन हमको ज़रूरत नहीं पड़ी। तो डैडी ने वो सारी मेडिसिन ना बाबा जी को दे दी, क्योंकि यहाँ पे तो ऐसे श्रद्धालु आते होंगे जिनको पेट दर्द या कुछ भी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ठंड होती है और उनको भी क्या दिक्कत होती होगी, तो इंजेक्शन एंड ऑल दिए काफ़ी सारा। और यस हम लोग दर्शन करके आ चुके हैं, बहुत अच्छा लगा। 11 साल के बाद मैं आई हूँ चूड़धार गाइस, सो इट वाज अ ग्रेट फीलिंग, बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा लगा। और आई होप मैं अब हर साल आऊँ, आई रियली विश। बेरहम पराठा मिलता है गाइस यहाँ पे, किसी को खाना है तो ज़रूर आए। सुबह से कुछ नहीं खाया, अब मैं एप्पल खा रही हूँ, और बहुत ही अच्छे और जूसी एप्पल्स है ये। पिंपल हुआ है यहाँ पे। तो हम लोग निकल पड़े हैं, पीछे देख रहे हो आप, वहाँ से आए हम लोग ऊपर से, और फाइनली हमारी यात्रा ख़त्म होती है। एंड मेरे साथ है मम्मी। अभी मम्मी थोड़े बेटर है, क्योंकि जब मम्मी आ रहे थे चढ़ाई में तो मम्मी की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, बट अभी शी इज़ फाइन। तो उतराई में तो ईजिली हम लोग चल सकते हैं, बर्फ़ भी खा रहे हैं हम लोग, मज़ा आ रहा है, क्योंकि ये सेकंड बर्फ़ है, मतलब पहले एक बार यहाँ गिर चुकी थी, फिर अब दूसरी बार गिरी, तो ये बर्फ़ खा सकते हैं। मम्मी वो लोग यहाँ से गए आई थिंक, जाने से आप चल आ गई चल से रास्ते, और वो टॉप पे देख रहे हो हम वहाँ से आए। तो ये रही आज की यात्रा, हमारी संपन्न हुई 2 दिन की यात्रा। कल आए थे हम लोग और आज हम निकले, अभी हम लोग जाएंगे सरहा, तो रास्ते में मिलती हूँ मैं आपसे। वहाँ से आए हम लोग गाइस, ये है स्वर्ग की सीढ़ियाँ जो हम उतर रहे हैं। ब्यूटीफुल काला बाग पहुँचने वाले हम लोग पहुँच चुके हैं। हाँ जो हम ये जाते हुए बात कर रहे थे, ये डैडी लेके आया है चूहों के लिए चावल, दाना मतलब दे दिया। मक्की लेके आए थे जो घर में उपलब्ध चीजें। अच्छा जैसे हमारे पास मक्की नहीं थी तो हमने चावल लाए, जो भी घर में होती चीजें वो लाते थे। कहाँ यार चूहे तो मुझे दिख नहीं रहे। शाम को दिखा था चूहा है, मैंने देखा शाम को, इधर से गया मैंने देखा चूहा, चूहे मैंने देखा बेटा ये चूहे की बिल। अच्छा ऐसे भाग रहा था शाम को, उसने सोचा कि दे रहे हैं।
बहुत हैवी है ये यार, इसका पूरा वेट। अपना शूट अपना खुद करना पड़ रहा है मुझे शूट गाइस, क्योंकि मेरे घर वाले तो मुझसे बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके, दे आर लाइक कि हम नहीं कर सकते खुद कर। और मेरी मैंने अभी तक की सारी खुद से वीडियो शूट की और पिक्चर्स भी खुद लिए, तो आपको जो भी देखने को तो नहीं मैं बोल रही हूँ मुंह बना रहे हर बात पे। सेब टेस्टी है। यार प्लीज डैडी क्या बताइस। लुक एट दिस रोड कि ये कितनी खतरनाक है, रॉकी पथरीली। और डैडी वहाँ आगे से बोल रहे हैं कि ठीक से आओ, रोड खराब है। लेकिन इनको क्या पता कि हम भी पहाड़ी है। बट ये सी वाली काफ़ी ख़राब है, ये पथरीली ना, इसे पहने पत्थर ऊपर को निकले हुए हैं। सो वी हैव रीच दिस प्लेस कॉल्ड मुंडाउ था, जहाँ पे हमने अपनी कार्स एंड ऑल पार्क की थी। सो अब मुझे लगता है मुझे अपना व्लॉग खत्म कर देना चाहिए क्योंकि काफ़ी लंबा हो गया है। सो दैट इज़ इट फॉर द व्लॉग गाइस, थैंक यू सो मच वॉचिंग। एक चीज़ और जो मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, कूड़ा सारी जगह फेंका था। तो प्लीज़ अगर आप जाते हो चूड़दार तो कूड़ा का विशेष ध्यान रखें, बाकी आप इंजॉय करो। ध्यान रखें हर जगह, Yes, so that is it for the vlog. Thank you for watching, guys. Okay, bye.